हेलो फ्रेंड्स आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ऑफ ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए गई हूँ बहुत ही अमेजिंग सा बन हेयर स्टाइल आप देखिए और ये डी आई वाई आप बहुत ईजिली फाइव टू सिक्स मिनट्स में ईजीली बना सकते हैं बहुत अच्छे पैटर्न के साथ तो किस तरह से ये जो आज का बन है वो क्रिएट करना है और क्या पैटर्न रहेगा बहुत ही आसानी से किस तरह से बनाना है ये मैं आज आपके डिटेल में लेके आई हूँ और खुद से आप बना सकते हैं खुद से बनाओगे आप देखना बहुत आसानी से आप ये बन क्रिएट कर सकते हैं सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो के साथ और देखते हैं कि ये बन हमने किस तरह से बनाया है सो so, फ्रेंड्स सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सेक्शन लेना है अपने टेलीकॉम के हेल्प से हमने क्या करना है एक रफ सा सेक्शन क्रिएट कर लिया बहुत ही आसानी से ये बन बन जाएगा और बहुत इजीली मैंने यहाँ पे एक रफ सा सेक्शन ले रही हूँ साइड से कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं लिया है और यहाँ से भी एक बैक से ईयर से थोड़ा सा पीछे एक और सेक्शन यहाँ पर ले लिया इस ये जो हमारा फ्रंट का सेक्शन है इसे हम छोड़ देंगे और इसको छोड़ने के बाद जो बैक के हेयर्स हैं इन सब हेयर्स को मैं एक रबड़ बैंड में अप कर लूँगी मैंने एक ही साइड से हेयर्स के सेक्शन छोड़ा है दोनों साइड से नहीं लिया और इसको आसानी से नीट एंड क्लीन कर लेंगे और नीट एंड क्लीन करके एक हाई पॉनीटेल यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे तो अपने आप देखिए कि मैंने सिर्फ फ्रंट से एक सेक्शन छोड़ा है और दूसरे साइड से कोई सेक्शन भी नहीं लिया और अपने रबर बैंड की हेल्प से इसको अच्छे से अप कर लिया हाई पोनीटेल क्रिएट करना जितना हाई आप बंद रखना चाहते हो आप उतना ही हाई रख सकते हो ये कम्प्लीटली आपके विषय के आप कितना रखना चाहते हो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक पोनीटेल क्रिएट कर ली इसे अब हम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेंगे कॉम की हेल्प से और अब हम इसमें एक सेक्शन क्रिएट करेंगे यानी कि ये जो हमने पोनी टेल क्रिएट की है पीछे से इसमें हम तीन सेक्शन बनाएंगे तीन पार्ट्स में से डिवाइड करेंगे एक पार्ट लेंगे और एक पार्ट लेने के बाद इसे हमने जस्ट नॉर्मली रोल फोल्ड करना है सर्कुलर फॉर्मेशन में फोल्ड करेंगे अगर आपके बाल बड़े हैं तो आपके जो ये हेयर स्टाइल आपके लिए बहुत ही सफिशेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा और इसे फोल्ड करके हम इसे जस्ट टर्न करना है जहाँ पे हमारी पोनी है जहाँ पे हमने पोनी बनाई है वहाँ पे इसे टर्न करते हुए यू पिन की हेल्प से इसे टाई कर देंगे ये हमारा एक सेक्शन था अब हमने सेम ऐसे ही दो सेक्शंस और बनाने हैं दूसरा दो सेक्शन जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो दूसरे सेक्शन में भी हमने जस्ट इसी तरह से ही इसे सर्कुलर फोल्ड करना है और इसको अपने ये जो हमारा पोनी टेल है उसके सराउंड इसे मूव कराना है लाइक like दिस और आपका बहुत ही अच्छा ये डिपेंड करता है आप यहाँ पे आ, दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो तीन सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो फोर सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो जितने आपको ठीक लगे आप उतने सेक्शंस में से डिवाइड कर लें सेम लास्ट सेक्शन रह गया है क्योंकि हमने तीन ही किए थे आप चाहे इसे भी दो सेक्शन में कर सकते हैं आप चाहें तो टोटल हीयर्स को भी दो सेक्शन में कर सकते हो और इसको भी जस्ट इसी तरह से ही आपने फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए आपने इसे इसी तरह से ही मूव करना है और आपका जो हेयर में एक बहुत अच्छा पैटर्न ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा खुद से बहुत आसान तरीके से आप ये बन बना सकते हो ये तो हमारा बैक का हो गया अब हम फ्रंट पे चलते हैं फ्रंट में हमने जो सेक्शन क्रिएट किया था इसे नीट एंड क्लीन करके यहाँ पे हमने एक जिक्जैक्ट फॉर्मेशन में एक सेक्शन लेना है और इस सेक्शन में हमने इसको सर्कुलर मूव कराना है इसको हमने ऊपर से ही हम सर्कुलर फॉर्मेशन लेंगे थोड़े थोड़े हेयर्स इसमें ऐड करते हुए चलेंगे और इसको हमने सर्कुलर फॉर्मेशन में लेते हुए नीचे जाना है और इसको अपवर्ड यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने जहाँ पे हमने बन स्टार्ट किया था उसके पास लेके जाना है और अपनी बॉब पिन की हेल्प से वहाँ पे उसे टक कर देंगे और इसमें हल सी वॉल्यूम भी क्रिएट कर लेंगे बहुत आसान तरीके से बन जाएगा और यहाँ पर हमने अपनी बॉब पिन की हेल्प से इसे यहाँ पर टाई कर देना है सेम एक और फॉर्मेशन हमने यहाँ लेनी है इसको भी हमने थ्री ही सेक्शन में इस तरह से डिवाइड करना है जिक्जैक्ट फॉर्मेशन में लिया है ये भी और इसको भी इसी तरह से हमने राउंड मूव करना है और राउंड मूव करते हुए उसके आ, उसी के जो हम जहाँ पे हमने पहला टाई किया था उसके नीचे हमने दूसरा अप कर लेना है इस तरह की फॉर्मेशन रखेंगे और यहाँ से यहाँ पे हम नीचे ले जाते हुए दूसरा टाई कर लेंगे अपनी पिन की हेल्प से और इसमें भी हमने हल्की सी जो वॉल्यूम है वो क्रिएट कर लेनी है ठीक है और इसको भी हम टाइप कर लेंगे और जैसे ही हम थर्ड लेंगे वो भी हमने सेम फॉर्मेशन में लेनी है अगर आपने फ्लिक्स लेनी है तो आप ले लीजिए बिल्कुल विश है कि जिस भी फॉर्मेशन में आपने अपना पैटर्न क्रिएट करना है थर्ड में भी हमने सेम एज इट इज़ लेना है और हमने क्या करना है अपने पूरे हेयर्स को लेंगे और इसको भी हल्के से रोटेट हैंड से रोटेट करते हुए इस तरह से हल्के से फ्लिक्स निकालते हुए इसको बैक डायरेक्शन में ले जाएंगे और इसको भी जहाँ पे हमने थर्ड वाला फ़ोल्ड है ये हमारा और ये हम वहीं पे ही उसके नीचे थर्ड फोल्ड लगा देंगे यहाँ पे हमने इस तरह से लेके जाना है और इसको भी यहीं पे ही टाइप कर लेना है तो हमारे पास थ्री फोल्ड्स यहाँ पे हो जाएंगे और इनको भी हम तीनों को हमने यहाँ अप टाइप कराए इसमें भी हल्की सी वॉल्यूम ले लें तो वॉल्यूम लेना ज़रूरी है तीनों को जब आप अप अच्छे से यहाँ बॉब पिन की हेल्प से भी टाई कर दें अब ये जो आपके रेस्ट ऑफ हेयर्स हैं आप अब इन तीनों को हेयर्स यानी कि तीनों जो आपके सेक्शंस लिए थे इनको फोल्ड करके इन्हें भी उसी डायरेक्शन में रोल आउट करोगे इस तरह से और रोल आउट करने के बाद आपने इनको भी अपने जो बन है इस पर लगा देना है और इसको भी यहाँ पे टाई कर देना है तो ये आपका जो रेडी हो जाएगा हेयर स्टाइल अब आप यहाँ पे कुछ भी डेकोरेशन पर्पज़ से कुछ भी यूज़ कर सकते हो ये कम्प्लीटली आपकी विश है जैसे कि मैंने यहाँ पे चेन ली है और उस चेन को मैं इसके अंदर ऐड करके लगा दूंगी और ये आपकी विश है आप किस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं फ्लावर्स लगाना चाहते हैं फ्लावर्स यूज़ करना चाहते हैं फ्लावर्स यूज़ कीजिए या जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चीज़ का को कोई भी चीज़ लगा सकते हैं तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आज का ये जो बन है वो क्रिएट किया है बहुत ही आसान तरीके से और बहुत आसान पैटर्न में और आप जो है आप इसे खुद भी खुद खुद ब खुद बहुत आसानी से से बना सकते हैं सो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स और ये हमारा आज का वन एंड आप भी से ट्राई कीजिएगा थैंक यू गुड बाय